आज जम्मू के कई सारे इलाके में आप देखेंगे कि इसी तरह से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा रश गाड़ियों मिलेगा। हालांकि कोई भी लॉकडाउन खुला नहीं है, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुके हैं। कई लोगों को पुलिस कर्मियों ने वापस भी भेजा है, लेकिन फिर भी विक्रम चौक हो जाए, आप लोग कुजवानी का चौक देखेंगे तो इसी तरह से आपको जो है रश देखने को मिलेगा। तो ये एक तरफ से जो लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, जिस तरह से ये लोग बाहर निकले हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो हैं लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं आज बाहर निकल गए हैं। हालांकि कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी ओपन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बाहर निकले हुए हैं, जो कि एक बड़ा चिंता का विषय है। और अगर लोग इस तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो सभी लोगों को इस बीमारी से जो है परेशानी हो सकती है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो बड़ी चिंता बन सकता है ये। और जो हम लोगों ने लॉकडाउन पूरा कंप्लीट किया है, वो लॉकडाउन की पूरी तपस्या जो है वो पानी में, उसके ऊपर पानी फेर सकते हैं हम लोग। पास रहे जा रहे हैं, काम करते हैं।
इस वीडियो को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि आराम से चलो ना भाई, लॉकडाउन है, क्योंकि किसी तरह का लॉकडाउन तो दिखाई नहीं दे रहा। लोग बाहर निकले हुए हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज से नहीं भी जुड़े हैं वो भी निकले हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं वो भी निकले हुए हैं। तो क्या ये लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि हमारी जो पुलिस कर्मी लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी डबल काम में ये लोग अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करते तो उनको जो है डबल उनके आगे जो है चैलेंज खड़ा कर देते हैं ये लोग, क्योंकि जहां पर इनको बाकी सारी चीज़ देखना पड़ेगा कि कौन कौन लोग लॉकडाउन का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरी आप सभी से यही अपील है कि पुलिस कर्मियों के सामने और ज़्यादा दिक्कतें ना खड़ी करें, क्योंकि ऑलरेडी जो पुलिस कर्मी हैं वो काम कर रहे हैं और ये विक्रम चौक एरिया है जहाँ के आप विजुअल्स देख रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे पुलिस कर्मी काम कर रहे हैं उनको उनके काम आप लोग ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ इस लॉकडाउन में एसेंशियल सर्विसेज को ही निकलने का जो है परमिशन है। अगर आप बाकी लोग निकलते हैं तो पुलिस को और काम आप लोग बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से ये इतनी ज़्यादा गाड़ियां आप देख रहे हैं, ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये सभी लोग जो हैं एसेंशियल सर्विसेज का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी पुलिस कर्मी पूरी तरह से चेकिंग कर रहे हैं और चेक करने के बाद ही किसी को यहां से निकलने दे रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि तो इतने आदमी आप अकेले इसको लेके जा सकते थे, उनको क्यों लाया था? ये आप देख सकते हैं लाइव विजुअल जो आप इस टाइम मैं आपको विक्रम चौक से ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, एक तो लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है, ये बात मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। अब एसेंशियल सर्विसेज और जिनके पास पासिस हैं वही निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है जाम देखने को मिल रहा है, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं। हालांकि कई गाड़ियों को पुलिस कर्मियों ने वापस भी भेजा है जिनके पास पास नहीं है या बिना काम के वो बाहर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी
आपको मैं एक बात साफ कर दूं कि आप पुलिस कर्मियों को इतना काम मत डालिए कि ऑलरेडी वो कोरोना वायरस से तो लड़ ही रहे हैं, ऊपर से आप लोग अगर बिना मतलब के बाहर आ जाएंगे तो उससे पुलिस कर्मी अपना काम करने के अलावा उनको ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, बस जिसके बाद आपके पास कोई सवाल का जवाब नहीं होगा और पुलिस कर्मियों को आपको वापस भेजना पड़ेगा। एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, लॉकडाउन खुला नहीं है, लॉकडाउन वैसा ही चल रहा है, लेकिन इसके चलते भी अभी भी लोग लगातार, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और अभी तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जाम। और अगर बात करें बिना मतलब के लोग बाहर निकले हुए, हालांकि लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी लोग जो हैं इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, और इसी बीच में जो लोग किसी तरह से रियलिटी हैं, परेशान हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज का हिस्सा हैं, वो लोग जो हैं किसी तरह से नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग बिना मतलब के बाहर निकले हुए हैं वो पुलिस कर्मियों का और बाकी लोगों का जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। जो विजुअल्स आपको मैं ये लाइव दिखा रहा हूँ, ये लाइव विजुअल्स हैं, और एक बार फिर से मैं सभी पुलिस कर्मियों का ज़रूर धन्यवाद करूँगा जो इस आपदा की सिचुएशन में भी आप देख सकते हैं किसी को भी बिना पूछे यहाँ से नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों को जो है उनसे पूरी तफ्तीश करके ही वो लोग जा सकते हैं। और अगर ये लॉकडाउन है तो बिना लॉकडाउन के कितनी गाड़ियाँ होंगी रोड के ऊपर, वो आप सोच सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती से पालन करने के लिए कल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि सख्ती के साथ पालन करना है इस लॉकडाउन को, और बिना आइडेंटिटी चेक किए नहीं, अगर किसी के पास पास हैं तो उनके पास चेक किए जा रहे हैं।
तो ये वीडियो ये जम्मू के विक्रम चौक इलाके के हैं और मैं सल्यूट करना चाहूँगा अपने सुरक्षा बल के जवानों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, जो लगातार दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं सब लोगों से ये अपील करूँगा कि अपने अपने घरों में बैठें। जिस तरह से यहाँ पर आप रश देख रहे हैं, कई लोगों को जो है वापस भेजा गया है जो बिना मतलब के बाहर आए हुए थे और बिना पास के बाहर आए थे। आप लोगों से अपील है अपने अपने घरों में बैठें। लॉकडाउन को सफल करने में सभी का साथ दें, ना कि उस लॉकडाउन को बढ़ा दें। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली जेके मीडिया के लिए। जय हिंद।